हेलो ऑल, आज मैं कुछ ऐसे पौधे बताऊंगी जो कि अगर आप अपने घर में ऐड करें तो उनकी देखभाल नहीं करनी होती। बस 2 महीने में एक बार खाद दें और शेड में रखें। पानी भी कम चाहिए इन सबको। ये प्लांट्स पेरिनियल हैं, मतलब जो सालों साल आपके साथ रहेंगे। इनमें से कुछ इंडोर प्लांट्स भी हैं जो कि आपके घर को डेकोरेट करने के काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट को 6 से 8 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। अगर आप इसको इंडोर रख रहे हैं तो किसी विंडो के पास रखें जहां एयर सर्कुलेशन होता हो और ब्राइट लाइट हो। पानी इसको गर्मी में आप महीने में 3 बार दें, 3 से 4 बार दे सकते हैं, और सर्दी में तो महीने में 1 बार ही चाहिए। इस तरह राइजोम्स होते हैं जिसमें पानी स्टोर रहता है। इसकी पॉटिंग सॉइल भी ऐसी बनाएं जिसमें पानी खड़ा ना हो, इसलिए सैंड ज़रूर मिलाएं गार्डन सॉइल में। खाद में कंपोस्ट दे सकते हैं या सीवीड भी दे सकते हैं। कोकोपीट इसमें ऐड ना करें क्योंकि रूट रॉट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे उसमें। अगर आप लेज़ी गार्डनर हैं, मतलब पानी नहीं दे सकते रोज़ पौधों को, तो ये प्लांट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा प्लांट है डम्ब केन या डिफेनबाकिया। ये प्लांट भी इंडोर डेकोरेशन के लिए यूज़ में ले सकते हैं। इसकी बड़ी लीव्स किसी भी कॉर्नर को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकती हैं। इसको भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मिट्टी इसकी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। खाद में कोई भी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक खाद दे सकते हैं। इसको भी ब्राइट लाइट पसंद है। डायरेक्ट धूप में इसकी लीव्स पीली होकर गिरने लगती हैं। थर्ड नंबर पे है मनी प्लांट। मनी प्लांट तो आप सब जानते हैं कि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है जिसको इनडायरेक्ट लाइट पसंद है। वाटरिंग भी इसमें तभी करनी है जब टॉप लेयर सूख जाए। ये कई वेराइटीज़ में आता है। पानी में भी ये बहुत अच्छे से प्रोपोगेट करता है। ये इंडोर डेकोरेशन के लिए भी लगाया जाता है। इसकी लश ग्रीन लीव्स के लिए कॉम्पोस्ट, सीवीड या अनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट है सिंगोनियम। ये भी कई वेराइटीज़ में आने लगा है। कई कलर वेरिएशन में भी आता है ये। मेरे पास ये कॉमन वाली वेराइटी है और ये एक पिंक वाली। ग्रीन वाली जो है वो बेल वाली है जिसमें पब्स निकलते रहते हैं, और ये पिंक वाली बुशी वाली है जिसमें नीचे से बेबी प्लांट्स निकलते हैं। जब ये भर जाएगा तब रूट डिवीजन से अलग अलग पौधे तैयार कर सकते हैं। सनलाइट इसको भी डायरेक्ट ना दे के शेड में रखें, मगर ब्राइट लाइट में। पानी तभी दें जब मिट्टी सूख जाए और वेल ड्रेन सॉइल चाहिए इसको। नेक्स्ट है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की समर्स में टिप्स ब्राउन होने लगती हैं, जिसके 2 कारण होते हैं। या तो तेज़ धूप में रखा है पौधा या ओवर वाटरिंग हो रही है। ये समर्स में ग्रो करता है और इसको समर्स में इनडायरेक्ट लाइट चाहिए होती है। वाटरिंग ज़्यादा होगी तो इसके ट्यूबर्स गलने लगेंगे, इसलिए वाटरिंग इसमें तभी करें जब मिट्टी सूख जाए। इस पर मेरी एक डिटेल्ड वीडियो भी है, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है फर्न्स। फर्न्स गर्मियों का प्लांट है जो कि सर्दी में डोमेंट हो जाता है। इसको मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें ये लश ग्रीन लीव्स निकालता रहेगा। मैं जो भी पौधे बता रही हूँ वो समर्स में ग्रो होने वाले हैं और सबको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए होती है। आप इसके नीचे चाहें तो मॉइस्चर ट्रे भी रख सकते हैं या कोई बोरी गीली करके इसके पास में रख दें या बकेट में पानी भर के रख दें, क्योंकि ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जिनको नमी चाहिए होती है इनके आसपास। नेक्स्ट है एग्लोनीमा। इसमें ये भी कई वैरायटी में आता है। मेरे पास अभी ये 3 वैरायटीज़ हैं। इनको भी शेड में रखें, दिन में 2 बार मिस्टिंग कर दें ताकि इनको भी एनवायरनमेंट मॉइस्ट मिले। ये भी ज़्यादातर ओवर वाटरिंग से ख़राब होते हैं, इसलिए वाटरिंग का ध्यान रखें। खाद में इनको सीवीड, एनपीके या कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं।
ताकि इसके कलर वेरिएशन अच्छे से निकले। डायरेक्ट लाइट में इसको ना रखें। नेक्स्ट है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट पे मैंने अभी रिसेंटली डिटेल्ड वीडियो बनाई है। इसको भी ब्राइट लाइट में रखें। धूप में रखने से इसके पत्ते पीले होने लगते हैं और डल हो जाता है इसका वेरिएशन। पानी इसमें तभी दें जब अच्छे से मिट्टी सूख जाए। एक पौधे से कई पौधे तैयार हो जाते हैं। कटिंग से भी ये बहुत आसानी से ग्रो करता है। नेक्स्ट है रबर प्लांट। रबर प्लांट एक बहुत ही कॉमन हाउस प्लांट है जिसको इनडायरेक्ट लाइट चाहिए होती है। इसको घना बनाने के लिए कटिंग कर दें ताकि मल्टीपल ब्रांचेस निकले, नहीं तो ये एक डंडा सा बन जाता है जिसमें ऊपर से तो न्यू लीव्स आती रहती हैं लेकिन नीचे से लीव्स सूख के गिरती रहती हैं। खाद में कोई भी कंपोस्ट या सीवीड भी दे सकते हैं, केमिकल खाद की इनमें ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है डेविल्स बैकबोन। मेरे पास ये दो वेराइटी है, एक वेरीगेटेड और एक नॉन वेरीगेटेड। इसको आप धूप में रख सकते हैं मगर दिन की तेज़ धूप से बचाना है। पानी इसको ज़्यादा दिया तो इसकी पत्तियाँ पीली होकर गिरने लगती हैं, उसी से समझ जाएं कि ओवर वाटरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये सारे पौधे ऐसे हैं जिनको आप 2 महीने में एक बार खाद दें और पानी का ध्यान रखें तो ये अपने आप ही अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। वीक में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। मैंने आज तक इन पे कोई भी पेस्ट का अटैक नहीं देखा। खाद में आप अनियन पील की लिक्विड खाद भी बना के दे सकते हैं। कैसे बनानी है वो उस पे मेरी एक अलग सी वीडियो है जो आप देख सकते हैं। इन सबको ब्राइट लाइट में रखें। इंडोर्स भी रख सकते हैं मगर एयर सर्कुलेशन होता रहे और डार्कनेस ना हो, इसका ध्यान रखें। केमिकल खाद ना दे के ऑर्गेनिक ही दें, उसी से ये अच्छी ग्रोथ करते रहेंगे। बस मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की धूप दिखाएं, उससे ज़्यादा नहीं। और विंटर्स में इन सबको धूप में रखना होता है। ध्यान रखें सिर्फ सर्दी में, समर्स में रखा तो पौधे जल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इनके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।